सरदारपुर तहसील के ग्राम गसई में किसानों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसके कारण किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ किसानों की अधिक आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है। कृषि उपज मंडी राजगढ़ की उपमंडी दशई में न्यू पूजा ट्रेडर्स के नाम से व्यापार करने वाले राजेश रमनलाल जैन द्वारा कृषि उपज उपमंडी में प्रतिदिन खरीदी करने के साथ साथ किसानों के घरों से भी सोयाबीन गेहूँ के साथ चने के अलावा कई उपज खरीदकर फरार हो चुका है। किसानों द्वारा ज्ञापन में व्यापारी द्वारा करोड़ों रुपए की चपत देकर फरार होने पर पुलिस चौकी दशई में सैकड़ों किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विभाग सरदारपुर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें व्यापारियों द्वारा करोड़ों की लागत का अनाज लेकर फरार होना बताया गया है। वहीं व्यापारी के द्वारा कृषि उपज मंडी में खरीदी के बिल भी किसानों के पास हैं, जिसका भुगतान नहीं होने तक व्यापारी जैन द्वारा अनाज की खरीदी के बदले के किसानों को चेक भी दिए गए, मगर बैंक से पैसा नहीं होने से वह बाउंस हो गए। वहीं समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण किसान काफी परेशान है, भविष्य की चिंता सता रही है। रेडी जी, मेरा नाम पवन पाटीदार, मैं किसान हूँ। राजेश जैन करके एक व्यापारी था, उन्होंने किसानों से माल खरीद रखा था और सब किसानों को चपत दे के भागे। किसी किसान का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी कुछ लोगों का बकाया। आपका कितना है? मेरा 3 लाख। आपने माल कहाँ बेचा था? मैंने माल मंडी में बेचा था, पवन पाटीदार। मामला है कि देवी जी राजेश पिता रमनलाल जैन जो पूजा ट्रेडर्स के नाम से राजगढ़ मंडी में काम करता था, वो मंडी दशई में खरीदी कर रहा था। ये दशई में मंडी का प्लस मंडी से बाहर कुछ माल खरीद कर कम से कम 1.5 करोड़ का माल लेके परिवार सहित रात को फरार हो गया, जिससे किसानों में आत्महत्या करने के कगार पे सबके 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक के किसानों के पैसे हैं। 13 लाख। आपका नाम पूरा? मेरा नाम सुरेश पाटिल। आपने किस संबंध में आवेदन दिया? आवेदन ये पूजा ट्रेडर्स दशई उपमंडी में पूजा ट्रेडर्स नाम से जो राजेश रमनलाल नाम से जो व्यापारी था, ये हमारे उपज लेके और कई सारे दशई से बहुत सारे किसानों की उपज लेके भाग गया, गायब हो गया। हम जैसे छोटे छोटे किसान, मेरे भी थोड़ी सी उपज थी, मैं बैंक भरने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी थी, मेरे को बैंक वाले के नोटिस आ रहे तो उसके तत्काल व्यवस्था के लिए मैंने उसको उपज बेची और वो ऐसे मेरे जैसे कई सारे किसानों के करोड़ों रुपए, मतलब टोटल होके करोड़ों रुपए लेके वो यहाँ से फरार हो गया, भाग गया और पूरे परिवार के साथ वो गायब है। और कई सारे किसानों के साथ ऐसा धोखा किया उसने, मतलब संबंध बनाकर ऐसा धोखा कर दिया और लोग अब उसको क्या कहाँ ढूंढें और क्या करें। अब पानी आने वाला है, खेती किसानी का काम शुरू होने वाला है, खाद बीज हमको लाना है, दवाई लानी है, तो उसके लिए खर्चे के लिए भी कई सारे किसानों ने उपज बेची थी, तो आज बिल्कुल जेब में पैसा नहीं है और ये बारिश आने वाली है तो कैसे खेती का काम काज चलाएंगे, ऐसा धोखा हमारे साथ वो करके गया। तो हमारी यही विनती है सरकार से और पुलिस विभाग से, मंडी विभाग से कि हमारी मदद करें, किसी भी प्रकार से हमको वो पैसा दिलाए, यही हमारी विनती है। यही उम्मीद लेके हम ज्ञापन देने आए हैं। आपका नाम? बड़ी खराब स्थिति हो गई है किसानों की, इतना बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम अजय पाटीदार है। ठीक सर, यहाँ पे किस संबंध में आवेदन दिएगा आपको? मुझे ये आवेदन दिया है, व्यापारी राजू फरार हुआ है दशई का, जो किसानों के पेमेंट लेके गया है, उस संबंध में किसानों ने पेमेंट दिया है और किसानों को मैंने कह दिया और रिश्ता लड़को भेज दूंगा भी जो अभी आपने मेरे को दिया है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। सर, इसमें मंडी का कुछ पेमेंट बकाया है, कुछ है क्या? नहीं, मंडी का कुछ नहीं बकाया है, ये सब बाहर खरीदी करी है और किसान खुद हमारे सामने आके बोलते थे कि हम इंदौर ले जा रहे हैं। दशई के किसान लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें दशई में दशई के निवासी न्यू पूजा ट्रेडर्स के मालिक राजेश जैन के द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया गया और अपने परिवार सहित यहाँ से भी चले गए हैं। उस संबंध में ज्ञापन दिया है, ज्ञापन हमने ले लिया है और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, ज्ञापन जो मिला है उसमें